झड़ते बालों को रोकने और नए बाल उगाने के लिए आज मैं आपको दो ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके बालों की हर समस्या दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं तनु। जब बात आती है हेयर प्रॉब्लम्स की, बालों की टाइप या लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को बालों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति की समस्या अलग है, लेकिन एक चीज़ जो सब में समान है वो है बालों का झड़ना। बालों की सभी समस्याएं जैसे फ्रिज, डैमेज और मौसम के प्रभाव को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बालों को सही तरीके से पोषण देना। बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है। झड़ते बालों को रोकने के लिए ढेर सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं, मगर उनमें मौजूद केमिकल्स के कारण वो बालों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान करते हैं। झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए और नए बालों को उगाने के लिए अगर आप सभी आर्टिफिशियल उपाय अपना कर थक चुके हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपके बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, नए बाल उगेंगे और बाल होंगे मजबूत। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी बीच में मत छोड़िए। और आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट रेमेडी देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोकोनट ऑयल चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वन टाइम यूज़ के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। और इसके बाद दूसरा जो ऑयल ऐड करना है वो है कैस्टर ऑयल। ये दोनों ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑयल लिए हैं। गुडनेस मैं आपको आगे बताऊँगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच ही कैस्टर ऑयल को ऐड कर दूंगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 2 से 3 बूंदें ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, जो लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुन लें। मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच लिया। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप आधा कप कोकोनट ऑयल, आधा कप कैस्टर ऑयल और 10 से 15 बूंदे रोजबेरी एसेंशियल ऑयल की, वो अच्छे से मिक्स करके आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी लगाना हो आप थोड़ा सा गर्म कीजिए और वो पिलंग जाएगा, फिर आप अपने बालों में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये जो हमने कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। इसको अपने पहले जड़ों में अप्लाई करना है और फिर पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, ये आप ओवरनाइट रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके बालों को पूरी तरीके से पोषण मिलेगा। अगर आप पूरे ओवरनाइट नहीं रख पा रहे हैं तो आप 2 घंटे तो ज़रूर ही रखें अपने बालों में। जब आप अपने पूरे बालों में लगा लें और उसके बाद आपको करनी है मसाज। कम से कम 5 से 6 मिनट आप अपने सिर में अच्छे से मसाज करें, और उसके बाद जब ओवरनाइट हो जाए या 2 घंटे आप रख लें, उसके बाद आप अच्छे से शैम्पू कर लें। माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, कोई ज़्यादा हार्श केमिकल वाला शैम्पू नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हार्श केमिकल वाला शैम्पू होता है वो भी हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और इसकी गुडनेस देख लेते हैं, हमने जो भी चीज़ ऐड की है उसकी गुडनेस क्या है। हमने इस रेमेडी में कैस्टर ऑयल यानी कि आरंडी का तेल ऐड किया है, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। यह बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और यह हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है जिससे आपके बाल जड़ों से जल्दी नहीं उखड़ते हैं। हमने इसमें ऐड किया है नारियल का तेल, जो कि बालों की गहराई में समाकर इसे ज़रूरी पोषण देता है, जिससे नए बाल तेज़ी से उगते हैं और बाल चमकदार और मुलायम बनते हैं। और हमने इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड की है वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आपके बालों को बढ़ाने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और बालों को काला करने में मदद करता है। इसके अलावा ये डैंड्रफ की समस्याओं को भी दूर करता है। कई बार बालों के झड़ने का कारण डैंड्रफ भी होता है। बालों की देखभाल का एक
बहुत अहम हिस्सा है हेयर सीरम, जो आमतौर पर काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़्यादातर लोग ऑयलिंग, शैम्पू और कंडीशनिंग के आगे कभी नहीं सोचते हैं, जो कि बालों की केयर को अधूरा छोड़ देता है। हेयर सीरम का काम है आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और मजबूत बनाना, जिस वजह से ये बालों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में मिलने वाले सीरम के प्राइस की वजह से इन्हें खरीदने से हिचक रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर सीरम की रेमेडी। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके बालों में शाइन भी आएगी, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत होंगे। इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है ये देख लेते हैं। सेकंड रेमेडी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाना है। ये हमारा हेयर सीरम है, तो इस हेयर सीरम को बनाने के लिए आपको एक बाउल लेनी है, एक चम्मच लेना है, और उसके साथ आपको चाहिए यहाँ पर बादाम का तेल। मैं यहाँ पर इसको कम से कम 2 या 3 बार यूज़ कर लूँगी और उसके बाद ही नया बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है बादाम का तेल ऐड कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा ऑयल जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगी वो जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। पहले देख लेते हैं कि इस हेयर सीरम को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करूँगी, वो ऐड कर दिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है गुलाब जल। गुलाब जल बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों से डैंड्रफ को दूर करता है गुलाब जल। अगर आपका डैंड्रफ है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर गुलाब जल को ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ऑयल जो है गुलाब जल आपस में मिल जाए। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। यहाँ पर मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की 2 बूंदें ऐड करूँगी। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल, गुलाब जल, एसेंशियल ऑयल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके बाद मैं एक बॉटल में इसको स्टोर करके रख लूँगी। आप इस तरीके से कि कोई बॉटल हो या कोई डिब्बी हो आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, आपको जब भी लगाना होगा आप आराम से लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब हेयर वॉश करें और आपके बाल हल्के से गीले हों, मतलब पूरे गीले ना हों, आपके हल्के से गीले हों, आप हथेली में 4 से 5 बूंदें लें और अपने बालों की लंबाई की लेंथ में लगाएं, और उसके बाद कॉम कर लें, ताकि आपने जो सीरम लगाया है वो अच्छे से आपस से बालों में मिल जाए और पूरे बालों में लग जाए। आपको अपनी जड़ों में नहीं लगाना है। अगर आप जड़ों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, बहुत ही मतलब चिपटे हुए से बाल लगेंगे। आपको सिर्फ अपने बालों की लेंथ में लगाना है, और इसको लगा के आप बाहर निकल सकते हैं। आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, सूरज की किरणों से आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपके बाल बेहद ज़्यादा मुलायम रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, शाइनी रहेंगे। तो इस तरीके से आप हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी आप हेयर वॉश करें आप इस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया है बादाम का तेल, जो कि आपके बालों को मजबूती देगा, ड्राई रूट्स को मॉइस्चराइज करता है और बालों को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। हमने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड किया है, तो ये बालों को बढ़ाने में मदद करता है, बालों में मॉइस्चर लॉक करता है और ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा हमने इसमें गुलाब जल ऐड किया है। ये आपको भीनी भीनी खुशबू ना सिर्फ बालों को एक रिफ्रेशिंग फील देती है, बल्कि यह नेचुरली फ्रिजीनेस और डैंड्रफ कंट्रोल करने में भी मदद करती है।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन